जिला कांग्रेस कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक डीसीएम सभागार हमीरपुर में आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता हमीरपुर के जिला अध्यक्ष राजेंद्र झा ने की। बैठक के दौरान सदस्यता अभियान का आगाज भी किया गया। सदस्यता अभियान के अंतर्गत जिला अध्यक्ष राजेंद्र जार ने सबसे पहले अपने सदस्यता को रिन्यू करवाया। आपको बता दें कि इस सदस्यता अभियान के तहत जहां एक और नए सदस्य पार्टी के साथ जुड़ेंगे तो वहीं पुराने सदस्य भी अपनी सदस्यता को रिन्यू करवाएंगे। बैठक के दौरान आगामी दिनों में राजस्थान के जयपुर में प्रस्तावित कांग्रेस की महारैली को लेकर विस्तृत चर्चा भी की गई तथा निर्णय लिया गया कि हमीरपुर जिला से इस महारैली में कांग्रेस के 100 के करीब नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। इस बैठक में हमीरपुर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राजेंद्र जार के साथ अन्य पदाधिकारियों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। आगामी विधानसभा चुनावों में पार्टी की जीत को सुनिश्चित करने के लिए योजनाओं के तहत घर घर जाकर कार्यकर्ताओं से मिलने और पार्टी को सुदृढ़ करने पर भी चर्चा की गई। इसके अलावा बैठक में अनुशासनहीनता के मामलों पर भी चर्चा हुई तथा आगामी दिनों में इन मामलों पर निर्णय लिया जाएगा। जिला अध्यक्ष राजेंद्र जार ने बताया कि बैठक का मुख्य एजेंडा राजस्थान में 12 नवंबर को प्रस्तावित महारैली पर चर्चा थी। बैठक में निर्णय लिया गया कि कांग्रेस की महारैली में हमीरपुर जिला के 100 के करीब कार्यकर्ता शामिल होंगे। ये टारगेट हमीरपुर जिला को मिला है, इसके लिए कार्यकर्ताओं को तैयार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस कमेटी की तरफ से मेंबरशिप अभियान भी शुरू कर दिया गया है और आज उन्होंने खुद अपनी सदस्यता फॉर्म भर के इसका आगाज किया है। उन्होंने बताया कि अनुशासनहीनता की भी कुछ शिकायतें मिली थी जिन पर चर्चा की गई और आगामी दिनों में इन शिकायतों पर निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि महारैली के लिए एक समन्वय कमेटी का भी गठन किया गया है जिसमें 5 ब्लॉक के अध्यक्षों को शामिल किया गया है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस आगामी चुनावों में हमीरपुर जिला में 5ों विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल करेगी। आज की जो मीटिंग है वो हमें बिल्कुल थोड़े समय में इसको करना पड़ा है, क्योंकि इसका मुख्य विषय था जो 12 तारीख को कांग्रेस पार्टी की विशाल रैली राष्ट्रीय स्तर पर जयपुर में होने जा रही है। असल में ये रैली होनी थी दिल्ली में, पर दिल्ली सरकार ने जब इस रैली की परमिशन नहीं दी तो जयपुर में ये मजबूरन करनी पड़ रही है। तो इसके लिए लोगों को तैयार करना और यहाँ से जो टारगेट मिला है हमें 100 आदमियों को, उसको तैयार करना और उनको वहाँ पर जयपुर की रैली में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आज एक तो विषय ये था। दूसरा, हमने यहाँ पर ज़िला कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो मेंबरशिप सदस्यता मेंबरशिप चली हुई है कांग्रेस पार्टी की, उसका शुभारंभ आज मैंने अपना फॉर्म भरकर उसका शुभारंभ किया। और इसके अलावा यहाँ पर जो अनुशासनहीनता के कुछ मसले थे, कुछ शिकायतें थी, उनको भी हमने यहाँ डिस्कस किया, उसके ऊपर उचित निर्णय लिए गए। और बाकी जो जनरल था, यहाँ पे हमने कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दी है इस रैली के लिए। 5 मेंबरा 5 जो अध्यक्ष हैं 5ों ब्लॉक के वो भी इसमें होंगे, और 5 मेंबरा जो जिला स्तर की कमेटी है उसको भी बना दिया। हम इकट्ठे रहेंगे, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करते रहेंगे और अगले जो चुनाव आ रहे हैं विधानसभा में उसमें आपको आपको प्लेट में रखकर 5 सीटें देंगे और सरकार यहाँ पर कांग्रेस की बनाएंगे, ये हमारा टारगेट है।